दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच अनेक मुद्दों को लेकर तनातनी बनी रहती है। अब भारतीय जनता पार्टी ने सिख दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर को दिल्ली कांग्रेस कार्यकारिणी में स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाए जाने पर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। साथ ही सवाल किया कि ऐसा करने में क्या कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के हाथ नहीं कांपते हैं? क्या उन्हें सिख दंगों के पीड़ितों की पीड़ा महसूस नहीं होती है? भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस की संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा को उजागर किया। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने एक तो 1984 के दंगा पीड़ितों को दंड नहीं दिलाया, ऊपर से वह समाज के बक्सकों के साथ खड़ी है, उन्हें सम्मानित कर रही है। आखिर यह किस तरह की राजनीति है? सोनिया गांधी ने एक बार भी दिल्ली हाई कोर्ट का अगर फैसला पड़ा होता तो आरोपियों को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ने में उनके हाथ कांप जाते। राष्ट्रीय प्रवक्ता भाटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है। एक एक मामले में पीड़ितों को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, भाजपा इंसाफ की मुहिम को जारी रखेगी। प्रधानमंत्री ने सिख पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए कमेटी बनाई थी। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित कर फर्जी तरीके से बंद किए गए मुकदमों को फिर से सुनवाई शुरू करवाई। इसके बाद सचिन कुमार सहित दंगा के अन्य आरोपियों को सजा दी गई। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद सिख दंगा देश पर लगा सबसे बड़ा काला धब्बा है और यह कांग्रेस द्वारा प्रायोजित था। राष्ट्रीय प्रवक्ता भाटिया ने कहा कि आरोपी को कांग्रेस कार्यकारिणी का आमंत्रित सदस्य बनाया गया है, जबकि जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय से सजा हो चुकी है। कांग्रेस ने सिख दंगा पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो पंजे ने अपने नाखून निकालकर पीड़ितों के जख्मों को कुरेदने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जख्मों को भरने का प्रयास किया तो सोनिया गांधी ने कुदेरने का काम किया है। भाटिया ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिल जाती है। वहीं कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा से सिख दंगों पर सवाल पूछे जाने पर कहा था कि हुआ तो हुआ। सिख दंगा के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए बनी पूर्व जस्टिस नानावती आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए भाटिया ने कहा कि रिपोर्ट में आरोपियों की सूची में कांग्रेस के तत्कालीन सांसद सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर का नाम भी है। कांग्रेस ने रिपोर्ट पर कुछ नहीं किया, एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संदेश देना चाहती है कि कोई भी व्यक्ति सिख समुदाय के लोगों की हत्या करे, उनकी दुकानें लूटे, मां बेटियों के साथ अनाचार करे, कांग्रेस उन सभी समाज के भक्सकों के साथ खड़ी रहेगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाटिया ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से सवाल किया कि क्या वे जगदीश टाइटलर को नियुक्ति का समर्थन करते हैं? क्या राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा 1984 दंगों के आरोपियों को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ने में उन्हें सम्मान देना उचित मानते हैं? भाटिया ने कहा कि ये लोग लखीमपुर जाकर पीड़ित परिवारों से मिलते हैं, किंतु सिंधु बॉर्डर पर दलित लखबीर सिंह की निर्मम हत्या होने के बाद ये लोग नहीं चाहते हैं, ऐसा क्यों? एक सवाल पर भाटिया ने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, उन्हें राजस्थान और पंजाब में दलितों और महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न नजर नहीं आते हैं। दोस्तों फिलहाल इस न्यूज में इतना ही। आप राजनीति से जुड़ी खबरों को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।